झोरिया से प्रत्याशी राजनीत सिंह अपने आवास सिंह मैंसन से जुलूस लेकर समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बरबड्डा स्थित समारण न्यायालय में नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचे। उनके साथ हजारों समर्थक और परिवार के लोग मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए राजनीत सिंह ने कहा, कार्यकर्ता का उत्साह जिस तरह से देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता, इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। वहीं पूर्व विधायक सास कुंती देवी ने मीडिया से कहा कि हमारे साथ साथ झरिया की जनता हमारे साथ है, बहू को आशीर्वाद दे दिया है, भारी मतों से विजय होगी। धनबाद में भाजपा प्रत्याशियों को भी अपनी शुभकामनाएं दी। मौके पर सिद्धार्थ गौतम, किरण सिंह, मिनी सिद्धार्थ, गौतम परिवार के सदस्य मौजूद थे। कार्यकर्ता और यहाँ की जनता के अंदर जो उत्साह हम देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकती। मुद्दे क्या है इस बार झरिया में? मुद्दे ही मुद्दे हैं। ये भ्रष्ट सरकार के अंदर विकास क्या हुई है आप हमें बताइए। जनता मूड बना चुकी है, कमर कस चुकी है ऐसे भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। थोड़ा समय लेट हो रहा है, फैसला आने वाला है, उन्हें भी डिटेल मिलने वाली हो सकता है। माता रानी डबल खुशी दे। चाची जीत का आशीर्वाद दे दिए हैं रागनी बहू को। जीत का आशीर्वाद हम नहीं दिए, मेरे पूरे जनता दिए हैं। और मेरा आशीर्वाद तो फुल है कि मेरी बहू इस बार भारी से भारी मतों से विजयी होके और विधानसभा पहुंची। आज दो और भाजपा प्रत्याशी नामांकन करे, बागमारा से शत्रुघ्न महतो और निरसा सपना, उनको भी आशीर्वाद है आपका। हम सब प्रत्याशी को विजयी भव का आशीर्वाद देते हैं। फुल एकदम रिकॉर्ड होगा, फुल रिकॉर्ड है, फुल सारा प्रत्याशी बीजेपी में हम है तो बीजेपी का सारा प्रत्याशी को हम आशीर्वाद देते हैं कि विजयी भव। इस बार झारखंड में भाजपा की सरकार एनडीए की सरकार बनेगी। झारखंड में इस बार एनडीए का सरकार फुल बहुमत से बनी।